हरियाणा में हुए दो समुदायों के बीच हिंसा से एक और जहां सामाजिक तनाव बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेजी से सुलगने लगी है। हरियाणा हिंसा की सियासी आग यूपी की राजनीति को भी गर्माने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के रूप में अब बीजेपी का डबल इंजन फेल हो गया है। पहले मणिपुर में हिंसा हुई और अब हरियाणा की हिंसा ये बता रही है कि सरकार के तौर पर बीजेपी नाकाम हो गई है। सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा की हिंसा मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण है। सरकार के रूप में भाजपा का इंजन फेल हो गया है। बता दें कि हरियाणा के नूह में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच जबरदस्त हिंसा हो गई। ये यात्रा जब नूह से गुजर रही थी तो इस पर पथराव किया गया, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई और उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उनके हाथ जो भी गाड़ी पड़ी उसे तोड़ दिया गया या फिर आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। आसमान काले धुएं के गुब्बार से भर गया। यही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस थानों पर भी हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस हिंसा में अब तक दो होमगार्ड की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा को देखते हुए इलाके में 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। वहीं नूह, मेवात, सोहना के बाद अब गुरुग्राम, भरतपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। बहरहाल हरियाणा हिंसा की आग अभी यूपी तक तो नहीं पहुंची, लेकिन उसकी सियासी तपिश से यूपी की सियासत उबाल मारने लगी है। हरियाणा हिंसा को लेकर अखिलेश ने भाजपा के डबल इंजन के नारे पर करारा प्रहार किया है। बता दें कि बीते एक दशक में भाजपा विधानसभा चुनावों में डबल इंजन के नारों के साथ चुनावी ताल ठोकती रही है और हरियाणा और मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष हरियाणा और मणिपुर की हिंसा को चुनावी हथियार बनाने से नहीं चूकने वाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।